हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन एक बार फिर से टीम सुपर क्लस्टर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ऐसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली क्लास में हमने सारे बेसिक्स जाने, व्हाट इज एन इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ दे कैन बी सॉल्व, व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो फ्रेंड्स, मेथड्स कई थे सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन मेथड था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड थे, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर था। एक एक करके प्रैक्टिस करने के लिए हमने कहा था फ्रेंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले दो बातें आपको याद रखना है, मैंने बताया भी था। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अरेंज द इक्वेशन इन जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, इन जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। और फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था, इक्वेशंस को पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इक्वेशंस को पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर है, तो एक्स वेरिएबल में ये इक्वेशन लिखा है। तो जब भी आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले चेक करोगे इक्वेशन जनरल फॉर्म में है कि नहीं। नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करके पहले जनरल फॉर्म में लाना है। फ्रेंड्स, दूसरी बात याद रखनी है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू जीरो, देन ईच नंबर इज इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, सपोज एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होगा, तो फ्रेंड्स उनको अलग अलग जीरो के इक्वल हम लोग करेंगे। तो एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, तो एक्स की वैल्यू थ्री हो जाएगा, एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, तो एक्स की वैल्यू टू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, सबसे पहली बात, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अरेंज करना है, और दो प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो होगा, देन ईच नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द जीरो। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। जनरल फॉर्म याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहला काम है, किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, आपको इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अरेंज करना है। अब फ्रेंड्स, इधर कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो, तो ध्यान देना है। अब जैसे पहले क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था जनरल फॉर्म, तो यहाँ पे देखना है पावर टू पावर वन, कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं। तो फ्रेंड्स, जब भी सिर्फ दो टर्म्स हो, सबसे पहला काम आप कॉमन देखोगे। किसी भी तरह का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, फैक्टराइजेशन कर रहे हो, सबसे पहले आप कॉमन देखोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ हुआ 4x और माइनस 3 बचा, 4x और माइनस 3 बचा। अब फ्रेंड्स, इसको हम ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये अपने लोवेस्ट फैक्टर्स में है, इससे ज़्यादा और फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो टर्म्स प्रोडक्ट में है ना, a इंटू बी इक्वल्स टू जीरो, तो अलग अलग जीरो के इक्वल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, x को जीरो के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू जीरो, और 4x माइनस 3 इक्वल्स जीरो करेंगे, तो 4x इक्वल्स 3, और x की वैल्यू आ गया दोस्तों 3/4। क्लियर? तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अरेंज किया, यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज था, हमने चेक किया जनरल फॉर्म में अरेंज है। अगर फ्रेंड्स थ्री टर्म्स होते तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते, अभी सिर्फ टू टर्म्स है तो सबसे पहले कॉमन देखना है, थ्री टर्म्स में भी एक बार कॉमन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन एक्स था, अब फ्रेंड इसको और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये अपने लोवेस्ट टर्म में है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, अलग अलग जीरो के इक्वल कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं टू टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो फ्रेंड्स उनको अलग अलग जीरो के इक्वल करना है। एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, देन एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, 2x प्लस 5 इक्वल्स जीरो, x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2, x की वैल्यू माइनस 5/2। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन हुआ माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे जनरल फॉर्म देखते हैं।
तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हटाएंगे, जनरल फॉर्म में डिनोमिनेटर होता नहीं, तो फ्रेंड्स 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म में अरेंज है, सिर्फ दो टर्म है, तो हमने पहले x कॉमन लिया, बचा x माइनस 5। अब टू नंबर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए, x इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स 0, देन x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स आपको बेसिक्स बातें याद रखनी है जो हमने बताया था, आपको जनरल फॉर्म अरेंज करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। अब फ्रेंड्स यहां देखते हैं, अब फ्रेंड्स इधर भी है और इधर भी टर्म्स है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6। अभी भी जनरल फॉर्म में नहीं है, सारी टर्म्स एक तरफ होने चाहिए, पावर 2, पावर 1 एंड कॉन्स्टेंट, पावर 2, पावर 1 एंड कॉन्स्टेंट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, वेन एवर आपको 3 टर्म्स मिलेंगे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करोगे, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करोगे। तो फ्रेंड्स प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम उसको एक बार ब्रीफ करते हैं, उसके पहले आप लोग इक्वेशंस नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे इसको हम ब्रीफ करते हैं। हो गया, तो फ्रेंड्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग एक बार पूरा इसका प्रोसीजर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो पहला नेसेसरी कंडीशन है फ्रेंड्स, जो फैक्टर्स है, जो पॉलिनोमियल या जो इक्वेशन है, वो बिल्कुल जनरल फॉर्म में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म में अरेंज किया। अब फ्रेंड्स दूसरा स्टेप है इसका, मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म विद कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट टर्म से ही है और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ये है, तो कॉन्स्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर से कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स अभी बेसिक से बिल्कुल सीख रहे हैं, ऑब्टेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ एसी। अब फ्रेंड्स जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर आया है उसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे, सपोज दैट मल्टीप्लाई करने पे 8 आया हो तो फ्रेंड्स सारे फैक्टर्स लिखेंगे, 8 × 1, 4 × 2, ठीक, सारे फैक्टर्स यहाँ पे हम लोग इसके लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स अगला स्टेप है By adding or subtracting the factors reduce into coefficient of x, that is power 1। अब फ्रेंड्स ये जो भी फैक्टर आएगा एक बार फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टार्टिंग में बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, 10-20 क्वेश्चंस बिल्कुल धीरे करेंगे, स्मूथली करेंगे, फिर एक बार हम सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन तेजी से करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, जनरल फॉर्म में अरेंज किया, फिर कॉन्स्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई किया, ए सी आया। अब जो नंबर आएगा उसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। अब फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई भी नंबर नहीं लिखना है, जो फैक्टर्स आए हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो पावर वन का कोफिशियंट होगा उसमें लाना है, पावर वन का जो कोफिशियंट होगा उसमें लाना है। अब उसके बाद फ्रेंड्स फैक्टराइज कर लेंगे या सॉल्व कर लेंगे बाय ग्रुपिंग, उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करके इसको सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, पहले एक आप मेथड इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। सबसे पहला काम है, आप लोग नोट करते रहो, सुनते भी रहो, सबसे पहला काम है इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अरेंज करना है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, एसी आ गया। अब मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं, तो हमने उसके फैक्टर्स लिख लिए। अब फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट में लाना है, जो पावर वन वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट को लाना है फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स ग्रुपिंग करके फैक्टराइज कर लेंगे। हो गया। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे है 2x² + x - 6। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको जनरल फॉर्म में अरेंज किया। अब फ्रेंड कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करना है, 6 × 2 = 12 हुआ। ठीक, माइनस सिक्स से हमसे मतलब नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेना है, साइन नहीं लिखना है। अब फ्रेंड्स 12 के हम लोग फैक्टर कर ले, 12 × 1 = 12, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, इतने फैक्टर्स होंगे। अब फ्रेंड्स फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पावर वन वाले टर्म का कोफिशियंट लाना है। पावर वन एक्स है और इसका कोफिशियंट कुछ नहीं है तो वन है। अब इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर्स को वन लाएंगे, तो फ्रेंड्स देखना है 12 को 1 में ऐड किया 13 आया, 1 नहीं आया। 12 को 1 में सब्ट्रैक्ट किया 11 आया, यहाँ पे भी 1 नहीं आया। 6 को 2 में ऐड किया 8 आया, सब्ट्रैक्ट किया 4, 4 को 3 में ऐड किया 7 आएगा, 4 को 3 से माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स 1 आ जाएगा। हमको रिक्वायरमेंट है 1 की, हमको रिक्वायरमेंट है 1 की, अपने से 1 नहीं लिखना है फ्रेंड्स। 7 माइनस 6 भी 1 हो जाएगा, 8 माइनस 7 भी होगा, अपने से नहीं लिखना है। ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये 12 का फैक्टर होता है 4 × 3 और हमने 4 − 3 कर लिया तो उसका 1 आ गया, 4 − 3 कर लिया तो 1 आ गया। तो फ्रेंड्स ये 2x² है। अब 1 के प्लेस पर वही फैक्टर लिखना है, तो 1 कैसे आया है, 4 − 3 लिखा हमने, x को कॉपी कर लिया। अब फ्रेंड्स ब्रैकेट ओपन करना है, तो 4x हो गया प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6। अब फ्रेंड्स ग्रुपिंग करना है, यहाँ से 2x कॉमन, बचा x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन x, और माइनस जब कॉमन होगा फ्रेंड्स सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 3 × 2 = 6। ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा फ्रेंड्स, साइन नंबर वेरिएबल सब सेम रहेंगे, तो x माइनस 2 कॉमन और ये आया 2x माइनस 3। अब फ्रेंड्स दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, अलग अलग जीरो के इक्वल किया, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन आया −2, 3/2, −2, 3/2। समझ में आया दोस्तों? फिर से एक बार देखना है, आपने कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 12 के हमने सारे फैक्टर्स लिखे, 12 के हमने सारे फैक्टर्स लिखे। अब फ्रेंड्स जो पावर वन का कोफिशियंट है, यहाँ पर 1 था, यही 1 लाना है फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो हमने 12 + 1 किया 13 आया और सब्ट्रैक्ट किया फैक्टर्स को 11 आ गया, तो इससे तो मिला नहीं हमको 1। दूसरे फैक्टर की बात करें, 6 + 2 किया 8 आया, 6 − 2 किया 4 आया, इससे भी नहीं मिला। तो 4 × 3 किया 7, 4 + 3 करेंगे 7, 4 − 3 किया 1। तो फ्रेंड्स इस फैक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमको 1 मिल गया। अब वही 4 − 3 यहाँ लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ध्यान देना है प्लस माइनस का बहुत ही केयरफुली, अक्सर हम लोग गलतियाँ करते हैं, तो हमेशा याद रखो फ्रेंड्स कभी भी कैलकुलेशन करो सबसे पहले साइन फिर नंबर्स फिर वेरिएबल्स, ये हमेशा याद रखना है। तो हमने यहाँ साइन प्लस था, 4 × x 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस 3x हो गया। अब फ्रेंड्स ग्रुपिंग करना है, तो यहाँ से 2x कॉमन, x + 2 बचा, यहाँ से फ्रेंड्स -3 कॉमन था,
तो यहां पे x बचा माइनस माइनस प्लस 2, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, कॉमन लिया, बचा फ्रेंड्स 2x माइनस 3, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो गया, अलग-अलग जीरो से कंपेयर किया और हमको आंसर्स मिल गया। तो बहुत ही आसान है, बस आपको इतने स्टेप्स याद रखने होंगे। अब किसी भी तरह का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा फ्रेंड्स, सिंपलीफाई करके जनरल फॉर्म में लाओगे ऐसे ही आएगा। फैक्टर्स ऑब्टेन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी स्टार्टिंग में, बट इसका ही तरीका है, आप लोगों को धीरे-धीरे इसको सॉल्व करना है। इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, आगे की क्लासेस में बताएंगे। मैं बार-बार आप लोगों को कहता हूं, हमेशा आप अपनी मेहनत से सीखो, ट्रिक्स का सहारा नहीं लेना है। जितना ज्यादा आप कैलकुलेट करोगे, जितनी जल्दी कैलकुलेट करोगे, माइंड उतना ही शार्प होगा, और शायद पढ़ाई लिखाई सिर्फ शार्पनेस के लिए ही की जाती है। हमेशा जितना ज्यादा माइंड शार्प होगा उतना आप आगे बढ़ोगे। तो अभी आपको ऐसे ही थोड़ा स्पीड बढ़ा के सिंपलीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² is equals to x plus 4। अब आप लोग समझ गए होंगे, पहला स्टेप जनरल फॉर्म में अरेंज कर लिया, जनरल फॉर्म में अरेंज हो गया। अब कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 हुआ फ्रेंड्स, 12 का फैक्टर 1 लाना है। अभी आप लोगों ने देखा था 4 माइनस 3 लिखना है, माइनस 4, ब्रैकेट ओपन किया फ्रेंड्स, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब ग्रुपिंग किया, x कॉमन, बचा 3x माइनस 4। अब फ्रेंड्स यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, आपने 1 कॉमन लिया, फिर ये as it is बचा 3x माइनस 4। फ्रेंड्स ये ब्रैकेट सेम है, 3x माइनस 4 बचा x प्लस 1, x प्लस 1, अलग-अलग 0 किया, 3x माइनस 4 is equals to 0, x की वैल्यू 4 upon 3, x प्लस 1 is equals to 0, x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल आसान था। एक बात आपको और यहां बहुत ही ध्यान से सुनना है, जो कांस्टेंट टर्म का साइन होगा, जो कांस्टेंट टर्म का साइन होगा वही फैक्टर लाना है। यहां पर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस था, तो माइनस में हमने फैक्टर्स लाए, कांस्टेंट टर्म का जो साइन होगा वही फैक्टर लाना है। अब यहां देखते हैं फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में अरेंज्ड है, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट टर्म, तो मल्टीप्लाई किया, 21 4 84 होगा फ्रेंड्स। अब 84 को स्प्लिट करके, 84 को स्प्लिट करके 8 लाना है फ्रेंड्स। अब यहां पे थोड़ा आपको ध्यान से, थोड़ा तेजी से देखते हैं इसको फ्रेंड्स। देखते हैं 14 6 84 होगा, और 14 में अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। आपको टेबल कितना तेजी से याद है, कितनी तेज से आप लॉजिक अप्लाई कर लेते हो, ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स इसका मतलब 8 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 14 minus 6, लिखा, 21x² ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 4। अब ग्रुपिंग करेंगे फ्रेंड्स, 21 और 14 में 7 कॉमन है और x कॉमन, 7 3 21, एक x बचा 2 हुआ। फ्रेंड्स यहां से 2 कॉमन लिया, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन, बचा फ्रेंड्स 7x प्लस 2। अब दो टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ गया, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स 0, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, 7x प्लस 2 इक्वल्स 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 7। आसान है ना दोस्तों, बस आपको बेसिक्स, पहली क्लास आप फिर से ध्यान से पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, उसमें हमने क्वेश्चंस नहीं कराए, लेकिन अगर एक बार आप कांसेप्ट समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहां पर x minus 4 होल स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहां पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो एक आसान तरीका हम यहां देख लेते हैं फ्रेंड्स, x minus 4 होल स्क्वायर है, ये टर्म्स भी स्क्वायर में है, तो ये 13 स्क्वायर minus 4 स्क्वायर लिख लेते हैं। x minus 4 होल स्क्वायर
ये 169 माइनस 25 x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144. अब फ्रेंड्स 144 को हम लोग 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो फ्रेंड्स यहां पर एक हमने ये तरीका अप्लाई किया, इसको हमने लॉजिकली चेक किया, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144 स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो हम बिना स्प्लिट बिना एक्सपेंड किए ला सकते हैं. अब यहां से हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं. और हमने बताया था फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक में हमेशा टू सॉल्यूशंस, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 12 लिखना है, याद होगा. अब जब प्लस माइनस 12 लिखा, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो वैल्यू आया 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16. अगर आप नेगेटिव वैल्यू लिखोगे तो यहां से सिर्फ नेगेटिव वैल्यू, तो x की वैल्यू माइनस 12 प्लस 4, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8. ठीक है फ्रेंड्स, बिना एक्सपेंड किए हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया. अगर इसमें दिक्कत हो रही है आप वही ट्रेडिशनल मेथड लगाओ. आपको जनरल फॉर्म में लाना है, आपको जनरल फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे. तो a माइनस b का होल स्क्वायर, सभी को एक्सपेंशन पता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब इसको एक्सपेंड किया फ्रेंड्स, a स्क्वायर b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab लिखेंगे तो माइनस 8x, 5 का स्क्वायर फ्रेंड्स 25 और ये 169. x स्क्वायर जनरल फॉर्म में लिखते हैं, 25 और 16 फ्रेंड्स 41 हो जाएगा और माइनस 169. ये आया फ्रेंड्स 1x स्क्वायर माइनस 8x, सिंप्लीफाई करेंगे 8 to 128 आ गया, ग्रेटर नंबर का साइन लिखा. ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसको एक्सपेंड किया, जनरल फॉर्म में लाया. अब फिर से वही कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 128. अब 128 को स्प्लिट करके हम लोगों को क्या लाना है फ्रेंड्स, 8 लाना है. 16 8 सा फ्रेंड्स कितना होगा, 128, और 16 माइनस 8 कर लेंगे 8 आ जाएगा. तो हमने इसको लिखा x स्क्वायर 8 के प्लेस पर 16 माइनस 8x माइनस 128. अब फ्रेंड्स सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 128. यहां से x कॉमन लिया दोस्तों, आया x माइनस 16 प्लस 8 कॉमन, x माइनस 16, x माइनस 16 कॉमन हो गया फ्रेंड्स, बचा x प्लस 8. अब दो नंबर्स के प्रोडक्ट जीरो आए, तो x माइनस 16 इक्वल जीरो, देन x इज इक्वल्स टू 16, x प्लस 8 इक्वल जीरो, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 8. ठीक है, तो यहां पर हमने ये स्क्वायर में सारे टर्म्स थे, तो एक बार हमने इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज किया, देखा परफेक्ट स्क्वायर थे, स्क्वायर रूट ले लिया. इस मेथड से आपको कैलकुलेशन कम होगा, टाइम भी कम किल होगा. अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है, सभी ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर ही बने, तो आप ये ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकते हो. पहले जनरल फॉर्म में लिया, फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई कर लिया. ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. तो क्वेश्चन इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन जनरल फॉर्म, पावर टू पावर वन कांस्टेंट. अब फ्रेंड्स 20 को स्प्लिट करके, अब आप लोगों को सॉल्व करना है, जल्दी से फैक्टर्स लाने हैं. 20 को स्प्लिट करके 9 लाना है फ्रेंड्स, 5 4 जा 20 होता है, और 5 प्लस 4 कर लोगे तो 9 हो जाएगा. तो 9 के प्लेस पर हमने 5 प्लस 4 लिखा, 9 के प्लेस पर 5 प्लस 4 लिखा, और फ्रेंड्स ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9 के प्लेस पर हमने लिखा 5 प्लस 4x प्लस 10, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 हुआ, ब्रैकेट ओपन किया दोस्तों. यहां से 2x कॉमन बचा, सॉरी फ्रेंड्स 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन लिया, बचा 2x माइनस 5. और यहां से फ्रेंड्स 4 और 10 में 2 कॉमन है,
तो 2 कॉमन हो गया 2x, माइनस भी है तो माइनस प्लस माइनस 5, ये ब्रैकेट सेम आ गया फ्रेंड्स, 2x माइनस 5 x माइनस 2 बचा। अब इसको अलग अलग जीरो के इक्वेट किया, x की वैल्यू आ गया फ्रेंड्स 5 अपॉन 2 और x माइनस 2 इक्वल्स 0, x इज इक्वल्स टू 2। तो फ्रेंड्स इसके सॉल्यूशंस हुए 2, 5 अपॉन 2, बट यहाँ कंडीशन दिया हुआ है फ्रेंड्स, व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको पता होगा काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो इसमें से जब कंडीशन दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फ्रेंड्स x की वैल्यू सिर्फ 2 लिखेंगे, बिकॉज 5/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब सेकेंड कंडीशन है फ्रेंड्स, व्हेन x बिलोंग्स टू q, q आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर में, q रैशनल नंबर को डिनोट करता है, q डिनोट्स रैशनल नंबर एंड द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where q is not equals to 0 are called rational number, where p and q are integers, p and q are integers। तो फ्रेंड्स इनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, डिनोमिनेटर जीरो ना हो और p और q इंटीजर हो, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है तो 5 अपॉन 2 तो रैशनल नंबर है ही, भाई 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और फ्रेंड्स 2 भी रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे हम p by q तो q के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखना है जब रैशनल नंबर होगा तो दोनों सॉल्यूशंस इंक्लूड करेंगे, जब सिर्फ नेचुरल नंबर होगा तो x इज इक्वल्स टू 2। सारे नेचुरल नंबर फ्रेंड्स रैशनल नंबर्स होते हैं, आप अपॉन 1 लिख सकते हो, 7 को 7 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और 7 अपॉन 1 लिखा तो p by q के फॉर्म में हो गया, तो वो भी रैशनल नंबर में इंक्लूड रहेगा। तो इस तरह से केसेस दिए रहेंगे, तो आप फ्रेंड्स इसको याद रखोगे, ये ICSE में आया हुआ क्वेश्चन है काउंसिल के एग्जाम में, तो आपको ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रूट वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा आपको यहाँ ध्यान देना है। नाइन्थ में पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स में, नहीं पढ़ा होगा तो 2 मिनट में क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रूट में तो वही नंबर आएगा। सपोज रूट टू इंटू रूट टू लिखोगे तो ये 2 हो जाएगा, रूट टू और रूट टू लिखेंगे 2 हो जाएगा, रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो पहला बात क्या सीखा, कोई भी 2 नंबर स्क्वायर रूट में है मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक बार उस नंबर को लिख लेंगे। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में याद रखना है फ्रेंड्स, ओनली कोफिशियंट्स ऑफ, ओनली कोफिशियंट्स ऑफ, ओनली कोफिशियंट्स ऑफ रूट्स हैविंग same number and power are added or subtracted। फ्रेंड्स याद रखना है रूट की बात करें, सपोज ये लिखा हो 3√2, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रूट, ये होता है फ्रेंड्स पावर ऑफ रूट। इस ब्लैंक में लिखा जाता है पावर ऑफ रूट फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो 2 सपोज करते हैं, इसको अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2 पढ़ेंगे, और जो रूट के बाहर लिखा होता है इसको हम लोग कोफिशियंट कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंडीशन क्या है, रूट्स हैविंग सेम नंबर एंड सेम पावर। सपोज अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 लिखा हो, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 लिखा हो, तो फ्रेंड्स नंबर भी सेम है पावर भी सेम है, पावर कुछ नहीं है तो 2 है। अब जब नंबर और पावर सेम हो गया तो इनके कोफिशियंट्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कोफिशियंट 1 है, यहाँ पर 1 है, 1+1 2, और एक बार रूट हमने लिख दिया। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड किया जाता है फ्रेंड्स, 4a+6a हो तो हम लोग इसको 10a लिख देते हैं, बट अगर 4a² + 6a हो तब हम लोग इसको ऐड नहीं कर पाते। तो वही रूल यहाँ पर भी होता है, वेरिएबल सेम हो
पावर सेम हो तो कोफिशियंट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, नंबर रूट का सेम होना चाहिए, रूट की पावर सेम होनी चाहिए, कोफिशियंट्स को ऐड कर लेंगे। क्लियर? ये नाइन्थ क्लासेस में आप लोगों ने सीखा था। अब फ्रेंड्स, यहाँ रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स, जनरल फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज्ड है, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई किया, 7√3 मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री, अभी बताया √3 × √3 हो जाएगा, 21 आया। अब फ्रेंड्स, 21 को स्प्रेड करके 10 लाना है, 21 को स्प्रेड करके 10 लाना है, तो 7 × 3 = 21 और 7 में 3 ऐड कर लेते हैं, तो ये आया √3x², 10 के प्लेस पर लिखा हमने फ्रेंड 7 + 3x और +7√3, ये हो गया √3x² +7x + 3x + 7√3। फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, x बस कॉमन है, तो x कॉमन लिया, बचा √3x + 7। यहाँ से ध्यान देना है फ्रेंड्स, 3 और √3 की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में 3 आता है, या सीधा सीधा आप समझो किसी भी नंबर को दो बार रूट में लिख सकते हैं, तो हमने इस 3 को दो बार रूट में लिख लिया और √3 कॉमन लिया, बच गया √3 + 1। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स √3 कॉमन ले लिया, एक √3 बच गया और यहाँ पे 7। अभी आया √3x + 7 और रेस्ट x + √3 = 0, तो दो फैक्टर्स हो गए, तो √3x + 7 = 0, x की वैल्यू -7/√3। फ्रेंड्स, नाइन्थ में रैशनलाइजेशन में पढ़ा था डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो आप रैशनलाइज करना जानते हो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो x का आंसर आया 7 - 7√3/3 हो गया। दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगा -√3। प्रोसेस सेम है फ्रेंड्स, बस रूट का आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, आपको रूट के सिंप्लीफिकेशन से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उससे प्ले करने आना चाहिए, फिर आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल रूट बेस्ड। फ्रेंड्स, कांस्टेंट टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, ये 5x होगा, 2√3 × 4√3, तो फ्रेंड्स 4 × 2 = 8 और √3 × √3 = 3, 24 आ गया। अब फ्रेंड 24 को स्प्लिट करके 5 लाना है, 8 × 3 = 24, 8 − 3 कर लेंगे, 5 आ जाएगा, तो ये लिखा √3x², 5 के प्लेस पे 8 − 3x − 2√3, 4√3x², ब्रैकेट ओपन किया 8x − 3x − 2√3 = 0। फ्रेंड्स, यहाँ से 4x कॉमन, बचा 4x इज कॉमन, यहाँ बचा x + √3x, √3x + 2, और फ्रेंड्स यहाँ से 3 और √3 में √3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1√3 बचा और −−+2 हो गया, √3 कॉमन हो गया है। माइनस जब भी कॉमन लेंगे, ध्यान देना है फ्रेंड्स, सभी टर्म्स के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, जब भी माइनस कॉमन लो, बहुत सिली मिस्टेक है, बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं, तो आपको याद रखना है माइनस कॉमन लेंगे सारे टर्म्स ऑपोजिट, ये टर्म नेगेटिव था पॉजिटिव, या नेगेटिव था पॉजिटिव, ये ब्रैकेट सेम हुआ, √3x + 2, 4x − −√3, √3x + 2 = 0, x की वैल्यू −2/√3, इसको हम लोगों ने रैशनलाइज किया, आंसर आया −2√3/3, 4x − √3 = 0, तो 4x = √3, x की वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स √3/4। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, 2.5 आवर का पेपर होता है, 2.5 आवर का पेपर होता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, तो जब भी आप मैथ सॉल्व करो फुली कंसंट्रेट होके, हमेशा स्पीड में,
हमेशा स्पीड में सॉल्व करना सीखना है। आप सडनली एग्जाम में सोचोगे हम जल्दी कर लेंगे, तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाता। आप लोग साल भर मेहनत करते हो, सीखते हो, तब जाकर एग्जाम देते हो। तो हमेशा ये रखना है कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, धीरे 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 आपकी हैबिट बन जाएगी। तो क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ रूट वाले हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2√6 और 4√6, तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 2 8 6 48 है। अब 48 को स्प्लिट करके 13 लाना है, 48 को स्प्लिट करके 13 लाना है, तो क्या होगा फैक्टर्स फ्रेंड्स? फोर्टी एट वनजा से आएगा नहीं, 24 2 16 3 जा, तो फ्रेंड 16 - 3 कर लोगे, 16 3 48, 16 - 3 लिखना है। 4√6x2, इसके प्लेस पर 16 - 3 लिखा, 2√6, तो ये 4√6x2 -16x -3x -2√6। अब फ्रेंड्स यहाँ कॉमन देखना है ध्यान से, अंडर रूट सिक्स है। अब फ्रेंड्स इसको बहुत केयरफुली देखना है, 4√16 और 16 सिर्फ देखते हैं, यहाँ माइनस है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे बचा 2√6 और यहाँ 8 बचा। अब 6 और 8 की बात करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 6 को √3 × √2 लिख सकते हैं, मीन्स 2 के टेबल में 8 है तो √2 में भी आएगा। तो हमने इसको 4 × 2 लिखा और इसको 2√3 × √2 और इस 2 को हमने दो बार रूट में लिखा। क्यों लिखा फ्रेंड्स? क्योंकि हमको √2 कॉमन लेना है। अब यहाँ से √2 कॉमन हो जाएगा, बचा 2√3 और यहाँ पे फिर से 2 कॉमन है। तो ध्यान देना है फ्रेंड्स यहाँ पे, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन लिया, एक एक स्टेप करना है, बाद में आप डायरेक्ट कर लोगे। तो यहाँ √6x -4x बचा, और फ्रेंड्स यहाँ से √3 तो कॉमन ले ही सकते हैं। देखो इस 3 को हमने दो बार रूट में लिखा और 6 को हम लोग √3 × √2 लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे फिर फ्रेंड्स 6 को हम लोगों ने √3 × √2 लिखा और 4 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। ध्यान देना है 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × √2 और √2। अब फ्रेंड्स यहां से √3 कॉमन हो गया, बचा √3x -2√2। और फ्रेंड्स यहाँ से भी हमने कॉमन लिया √2, √2 कॉमन हो गया, तो ये आया √3x -2√2 और ये यहाँ पे है √3x -2√2। √3x -2√2 कॉमन हो गया, तो फ्रेंड्स आया 4√2x +√3। अब दो नंबर जीरो के फॉर्म में आ गए, प्रोडक्ट है, तो फ्रेंड्स जीरो के इक्वल कर लो, एक्स की वैल्यू 2√2/√3, रैशनलाइज कर लोगे तो ये आ जाएगा 2√6/3 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको जीरो के इक्वल किया, 4√2x+√3, तो फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू −√3/4√2, रूट में सिर्फ 2 है, इसको रैशनलाइज किया तो ये आया −√6/8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके सॉल्यूशंस हुए। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन टफ है, लेकिन आपको सीखना है, टफ क्वेश्चंस करने हैं, आज नहीं कल 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पहले आप कुछ नहीं करना है, जो आपको पहले कॉमन समझ में आए ले लो, अभी स्टार्टिंग में इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पे 4 कॉमन था, हमने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे
3 के टेबल में फ्रेंड 6 आता है तो रूट 3 में भी आएगा, ये आपको सपोज करके चलना है। तो हमने 3 को दो बार अंडर रूट में लिख लिया, अभी बताया था किसी भी नंबर को आप दो बार रूट में लिख सकते हो। देखो रूट टू 4 आया रूट, और स्क्वायर रूट 2 ही होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट लगाया, 4 और 6 में 2 कॉमन है बट 6 रूट में था, तो इसलिए हमने 6 को लिखा रूट 3 इंटू रूट 2। अब रूट 2 कॉमन लेना था इसलिए हमने 4 को पहले 2 इंटू 2 लिखा, और फिर हमने एक 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लिया क्योंकि 2 हमको कॉमन चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमने फिर से रूट 2 कॉमन लिया, बचा अंडर रूट 3x माइनस 2 रूट 2। और फ्रेंड्स यहाँ से हमने रूट 3 कॉमन लिया, रूट 3 माइनस 2 रूट 2 हो गया, ये ब्रैकेट इक्वल आएगा, इसको हमने कॉमन लिया, 4 रूट 2x प्लस रूट 3 बचा। और फ्रेंड्स फिर इसको हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया, एंसर्स में डिनोमिनेटर्स में रूट नहीं होने चाहिए इसलिए हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। क्लियर? तो रूट वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फ्रेंड्स आपको इसी तरह से करने हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लोगे। नोट कर लो, अब फ्रेंड्स एक इधर क्वेश्चन लिखा है, ध्यान देना है, 1/2a + b + x = 1/2a + b + 2x। अब फ्रेंड्स ये भी क्वाड्रेटिक है, अब आपको जनरल फॉर्म में लाना है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और काफ़ी डिफिकल्टी होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम लोग कुछ बातें याद रखेंगे, उन्हीं ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखना है फ्रेंड्स, जो भी डेनोमिनेटर है सिंगल न्यूमरेटर पे है, 1/2a + b + x है, और यहाँ पर वही क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में है, सब पे डेनोमिनेटर अलग अलग, डेनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर 1/2a + b + x है और यहाँ पर सभी टर्म्स अलग अलग है, 1/2a + 1/b + 1/2x। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर सपोज 1/2b + p + q होगा और यहाँ पर 1/2b + 1/p + 1/q। तो जो भी टर्म्स यहाँ पूरे डिनोमिनेटर में होंगे इधर अलग हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसको देखना है कैसे सॉल्व करना है, ये 1/2a + b + x लिखा। अब फ्रेंड्स किसी भी एक टर्म को आप इधर ट्रांसपोज कर लो, सपोज हमने ट्रांसपोज किया 1 2x को, तो यहाँ पर बचा 2a + b। सबसे पहला काम है फ्रेंड्स किसी भी एक टर्म को ट्रांसपोज कर लेना है, हमने इस टर्म को ट्रांसपोज कर लिया। अब फ्रेंड्स एलसीएम लेते हैं, 2a + b + x एलसीएम होगा, इस पूरे ब्रैकेट से ये कैंसिल, 2x बन जा 2x होगा, 2x से 2x कैंसिल, बचा ये फ्रेंड्स 2a + b + x, माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लिखा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एलसीएम 2ab, 2a से 2a कैंसिल, b बचा, b से b कैंसिल, 2a बचा। अब फ्रेंड्स यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2a - b - x। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में x होना चाहिए, क्वेश्चन एरर है, फिर से ध्यान देना है। तो यहाँ पर सिर्फ x है फ्रेंड्स, तो 1/2a + b + x, इसको हमने x टर्म को ट्रांसपोज किया, यहाँ बचा 1/2a + 1/b। अब एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स आया 2a + b + x,
इस पूरे से ये कैंसिल, x बन जाए x, x से x कैंसिल, 2a plus b plus x. LCM होगा फ्रेंड्स 2ab, 2a से 2a कैंसिल, b यहाँ पर 2a आया. ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 2a माइनस b माइनस x. ये है फ्रेंड्स 2a plus b plus x, 2a plus b upon 2ab. फ्रेंड्स x से x कैंसिल, माइनस कॉमन ले लेते हैं, बचा 2a plus b. और ये है x plus 2a plus b plus x, 2a plus b upon 2ab. फ्रेंड्स 2a plus b से 2a plus b कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आया माइनस 2ab is equals to x 2a plus b plus x. तो फ्रेंड्स माइनस 2ab ये होगा 2ax plus bx plus x square. अब जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, x square plus 2ax plus bx, और फ्रेंड्स इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे 2ab. तो ये आया x square plus 2ax plus bx plus 2ab. अब ग्रुपिंग करके सॉल्व करते हैं दोस्तों, x कॉमन बचा x plus 2a, यहाँ से b कॉमन बचा x plus 2a. फ्रेंड्स x plus 2a कॉमन, आंसर आया बचा x plus b. तो फ्रेंड्स x plus 2a को 0 के इक्वल किया, x is equals to minus 2a, x plus b equals 0, then x is equals to minus b. क्लियर है फ्रेंड्स? ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस है. हमने बताया 1 अपॉन ये जो सिंगल डिनोमिनेटर्स में जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो इक्वेशन के बाद अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ध्यान देना है. यहाँ जो सिंगल डिनोमिनेटर में है वो सभी अलग अलग हो गए, पॉजिटिव हो गए. आप किसी भी एक टर्म को इधर ट्रांसपोज कर लोगे, आप इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओगे, फ्रेंड्स कैलकुलेशन में काफ़ी डिफिकल्टी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा. अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस याद रख लोगे, जनरली ये ओलंपियाड्स एनटीएससी में क्वेश्चंस बनेंगे, तुरंत इसके आंसर्स आप कर लोगे. हमने इस टर्म को ट्रांसपोज किया, एलसीएम सभी को लेने आता होगा, एलसीएम हुआ. अब इस 2a plus b plus x से 2a plus b plus x कैंसिल, x बन जा x, x से x कैंसिल, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस था ब्रैकेट लिया. फ्रेंड्स यहाँ पे भी 2ab एलसीएम, 2a से 2a कैंसिल, b बन जा b, b से b कैंसिल, 2a बन जा 2a. अब फ्रेंड्स ब्रैकेट ओपन किया, माइनस है, सारे टर्म्स के साइन ऑपोजिट हो गए, x से x कैंसिल, फिर माइनस कॉमन लिया, बचा 2a plus b, और ये एज इट इज लिखा. 2a plus b से 2a plus b कैंसिल हो गया,